यूपी के लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर लखीमपुर नेशनल हाईवे पर उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब सामने से आ रही सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस में बाइक सवार को टक्कर मार दी। बस की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर भीड़ आक्रोशित हो गई और आक्रोशित भीड़ ने पथराव शुरू किया तो वहीं बस को आग के हवाले कर दिया। मौके में सीओ सदर रमेश तिवारी, सदर एसडीएम अश्विनी कुमार, भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर भीड़ को काबू किया तो वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया। घटना पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद ने कहा। अपर पुलिस अधीक्षक पवन कुमार गौतम भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर आग के हवाले की गई बस पर काबू पाने के बाद बस को हाईवे से हटाने के बाद हाईवे पर आवागमन चालू करवाया गया। यहाँ पे सूचना मिली थी कि एक बाइक पे सवार होकर लोग आ रहे थे, दो व्यक्ति, और उसमें बस से टक्कर हो गई थी और उसमें अभी एक की पुष्टि हुई है मृत्यु की, दूसरा व्यक्ति घायल है जिसको अस्पताल भेजा गया है, उसके बारे में अभी पूरी सूचना नहीं मिल पाई है। और सामान्य है, फायर ब्रिगेड वगैरह एम्बुलेंस सारी समय से पहुंच गई थी और हम लोगों ने आग पे काबू पा लिया था और सारी चीजें सामान्य है। बस में आग लग गई थी जिसका काफी नुकसान हुआ है। बस तो खाली थी, बस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए रोडवेज की बस आ रही थी यहाँ पर और बाइक पे बता रहे हैं कि दो व्यक्ति लड़के सवार थे और रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसमें एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई है, एक को जिला हॉस्पिटल सीरियस हालत में भर्ती कराया गया है। इसके बाद कुछ लोग आक्रोशित होकर कुछ जो समूह में थे उन्होंने बस में आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद तुरंत ही मौके पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, आग को बुझा दिया गया, बस को बैठाया जा रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई उसको किया जा रहा है। अब देखिए एक्सीडेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ज़्यादा ये विषय है और जिसका इलाज चल रही है। बाकी कारणों की हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में ये दुर्घटना हुई है और भविष्य में ना हो इसको भी हम कैसे रोक पाए। देखिए अब लॉ एंड ऑर्डर अब वर्तमान में सारी स्थिति सामान्य है। जो बस में आग लगी थी उसे बुझा दिया गया है। निश्चित तौर पर जो भीड़ थी थोड़ी दुर्घटना से आकर्षित थी और उन्होंने बस पर आग भी लगाया है। बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल सामान्य है और स्थिति पूरी नियंत्रण में, यातायात कोई बहाल कर दिया गया है और कहीं कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं। प्राइवेट बस नहीं, अनुबंधित बस है, रोडवेज की बस। सवारियां भी बैठी होगी, अब वो सब चीजें है क्लियर हो जाएगी। सवारियां निश्चित तौर पर सवारी ही आ रही होगी, बसें है, लेकिन चीजें सीखे यातायात बहाल कर दिया गया, आगे की भी कार्रवाई की जा रही है।